नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। जिला परिषद सदस्य के लिए धबोटा से लीला देवी चुनाव मैदान में उतरी हैं। चुनाव प्रचार के लिए उनके पति, जो स्वयं भी 2010 में जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, क्योंकि इस बार भी महिला जिला परिषद सदस्य सीट आरक्षित है, इसलिए उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो वो स्वयं अपनी धर्मपत्नी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पंचायत के सभी वार्डों में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और जिला परिषद के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाएंगे। ऐसा जी, हमारे मेरी अपने धर्मपत्नी लीला देवी जिला परिषद के वार्ड नंबर धोटा से चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं भी इस वार्ड से पहले आज से 2010 में जिला परिषद का मेंबर रहा, और अब दोबारा फिर महिला की जो सीट थी उनके लिए आरक्षित थी, तो जो मेरी धर्मपत्नी है वो इस चुनाव के लिए खड़ी हुई है, उसके प्रचार के लिए आज हम यहाँ पर गांव में आए हैं लोगों से वोटर समर्थन मांगने के लिए। ठाकुर साहब, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं? देखो, मेरे लिए कोई ये नया काम नहीं है। जब मैं 2010 में जिला परिषद का सदस्य बना था, तो मैंने लगभग 2.25 करोड़ के करीब लोगों को अपने जो हमारा निधि फंड था उससे लोगों की डेवलपमेंट करवाई, और उसके अलावा जितने दूर के क्षेत्र थे जहाँ बसों की प्रॉब्लम थी, जैसे प्लासड़े के गांव है जहाँ पर गैस की समस्या थी, जहाँ पर पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, मैंने अपने टाइम में अपने जिला परिषद के वार्ड में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी। सर, इस चुनाव में आपके क्षेत्र में आपने डोर टू डोर प्रचार किया है अपने धर्मपत्नी के पक्ष में, तो आपने समस्याएं देखी होगी स्वास्थ्य के, मतलब बिल्कुल। हाँ, देखो, जैसे जैसे आबादी बढ़ी है वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ी है, तो इन समस्याओं का निवारण हम करेंगे, इसको बड़े अच्छे तरीके से जिला परिषद के माध्यम से उठाएंगे, सरकार के संज्ञान में ले आएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे इलाके में एक अच्छा हॉस्पिटल है जो होना चाहिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी भी हम सरकार को कई बार हमने लिखा है कि यहाँ पर, और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पर किसान मंडी का। हमारे जो यहाँ के किसान हैं वो बड़े दुखी है जब भी यहाँ पर अनाज पैदा होता है, जो कि हमारी निचली बेल्ट है, ये नालागढ़ चुनाव क्षेत्र है, जो ये एक नालागढ़ का हिमाचल का सबसे बड़ा कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ पर गेहूँ और धान की फसल है जो दबाकर होती है, पर लेकिन लोगों को अपनी फसल बेचने के लिए बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है। सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया, इसको भी हम प्रमुखता से उठाएंगे कि यहाँ पर आने वाले साल के अंदर अगर आगे को लोगों को बाहर लेके अनाज ना जाना पड़े, यहीं सरकार हमारी फसल की है जो खरीद। दूसरा समस्या है कि आपके इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब है, जो मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है, उनके लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? उनको हम प्रमुखता से उठाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक बोला, कुछ लोग जो इस चीज़ के पात्र नहीं होते हैं, उसमें डिजर्व नहीं करते, वो लोग, उनके लिए वो सुविधाएं मिल रही हैं, जो गरीब आदमी है उससे वंचित रह जाता है, तो उसको हम पूरे जोर शोर से उठाएंगे जैसे ही हमें मौका मिलेगा। उसके अलावा आपके क्षेत्र में कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो एजुकेशन नहीं कर सकती हैं, उनको रोजगार के लिए उनको क्या आपकी प्लानिंग रहेगी आगे? रोजगार के लिए देखो, अभी सरकार ने छोटी मोटी स्कीमें काफ़ी चला रखी है, पर लेकिन आज तो टाइम ऐसा है कि सरकार के पास ऐसी कोई नीति पॉलिसी बन नहीं सकी, पर लेकिन जितना हमारा कोशिश रहेगा, हमारे इलाके में जितनी कोई इंडस्ट्री आती है, कोई बच्चे जो ITI की हुई है, जिन्होंने कुछ प्रशिक्षण लिया हुआ है, उनको हम इंडस्ट्रियों में सेटअप करवा रहे हैं, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि जो बच्चे बेरोजगार है उनके लिए हम रोजगार का जो सरकारी जो कम से कम उद्योगों में उनका प्रबंध हो सके। आपके इलाके में कुछ वृद्ध लोग हैं, जैसे कोई पेंशनों से वंचित है, तो उनके लिए क्या प्रयासरत रहेंगे? नहीं, उनके लिए भी हम पूरा कोशिश करेंगे। जो लोग बुजुर्ग लोग हमारे बचे हुए हैं, वैसे तो जो प्रधान लोग अच्छे थे हमारी पंचायतों में, उन्होंने तो काफ़ी अच्छे काम किए हैं बुज़ुर्गों को पेंशन लगाने के, क्योंकि बुज़ुर्ग गांव में जो होते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती कि वो अपने फार्म और दस्तावेज तैयार करके सरकार तक पहुँचा पाए या ऑफिस में जमा करवा पाए, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो छूटे हुए हैं हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे कि उनको भी इस सुविधाओं के साथ जोड़ा जाए।
अच्छा, आमतौर पर हमने देखा आपके प्रचार में युवाओं की बड़ी खोज है, युवाओं को रोजगार के लिए भी योजना पड़ रहा है, खेल कूद प्रतियोगिता के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, इनके इनको क्या व्यवस्था रही खेल कूद में? क्या खेल कूद, देखो जो युवा वर्ग है आज से नहीं, मेरे साथ बहुत सालों से जुड़ा है, तो इस चीज़ों को मैं समय समय पर प्रोत्साहन देता रहा हूँ। अभी भी हमने मतलब जो दूसरे अदर फंड है, चाहे MLA निधि से है, चाहे DC साहब के थ्रू है, हमने काफ़ी जगह बच्चों के लिए जिमों का प्रावधान किया है, काफ़ी गांवों में जिम खुलवाए हैं। तो बाकी जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैं सदैव हाजिर रहता हूँ, इसलिए बच्चे मेरे साथ जुड़े रहते हैं स्पोर्ट्स वाले। अगर आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीत जाए तो सबसे बड़ी क्या प्राथमिकता होगी आपके क्षेत्र के विकास के लिए? सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी बिजली पानी और जो आम जनहित के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो इनके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा और युवा वर्ग के ऊपर ज़्यादा रहेगा। आपने पिछले उसमें टर्नियोर में भी इसका नेतृत्व किया, जिला परिषद मेंबर रहे हैं, आपसे क्या अधूरे काम है जो नहीं हो पाए आप? नहीं, मैंने उस समय कोई भी जो भी आदमी मेरे पास आया काम के लिए, मैंने कोई भी काम अधूरा छोड़ा नहीं उस टाइम। तो आज लोग ये रिजल्ट आपके सामने आएगा इस जिला परिषद का कि लोग कितने अच्छे तरीके से मुझे चाह रहे हैं, तो आपको पता चलेगा इस इलेक्शन में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग उसके उनकी इच्छा के अनुरूप मेरे को वोट देंगे।